हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है? Come on guys, मुझे पता था तुम एक नंबर की डरपोक हो। ऐसा भी कोई मजाक करता है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे कम ऑन यार, कुछ दिनों में हमारी फिल्म राज 3 रिलीज होने वाली है और हम लोग ऑडियंस को डराने वाले हैं और तुम खुद डर रही हो। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? हमारी टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर बिंदिया की मदद से। इसका मतलब मैं तुमसे जरूर लूंगी। ओके मैम, शॉट रेडी। ओके लेट्स गो। नेहा, तुमने नेक्स्ट सीन की प्रॉपर्टीज लाई? नहीं मैम। क्यों? मुझे वहाँ डर लगता है अकेले जाने में, क्योंकि वहाँ आत्मा है। आत्मा? कम ऑन नेहा, ये आत्मा शात्मा कुछ नहीं होता है, सब कहानियां हैं। ओके फाइन, मैं जाके ले आती हूँ। शॉट क्या है? मैम, आपके एंट्री वहाँ से और आपके हाथ में लैंप होगा। ओके। आपको धीरे धीरे चलते हुए ये लैंप उस टेबल पर रखना है। ओके। ओके। या। चल। रोल साउंड। 34x1 टेक 1। एक्शन। कट 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 कट। मैम, आपका लुक टेबल की तरफ है, प्लीज वहां पे मत देखिए। आई नो, सॉरी, अलमारी से कुछ आवाज आ रही थी। ओके, एनीवेज, फिर से करते हैं। कम। ओके। रोल साउंड। एक्शन। बिंदिया। कट कट कट। समझ गई, तुम ईशा से मिलके मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। बिंदिया, तुम्हें क्या लगता है, तुम बिपाशा को डरा लोगी? कम ऑन बिंदिया, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, गेट अप। बिंदिया, बिंदिया, पानी लेके आओ। बिंदिया मैम, उठिए मैम। बिंदिया मैम। बिंदिया बिंदिया, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जाओ प्लीज। इसकी तो पल्स भी नहीं चल रही।
She's dead. लाल को वहां के लिए नहीं जाना चाहिए था. ये जरूर सी आत्मा का काम है. आत्मा? हाँ मैम, मैंने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है. मेरा फोन दो. एसीपी, विपाशी जी, आप यहाँ पर राज 3 फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। जी एसीपी साहब, राज 3 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, तो बस लास्ट 2-3 सीन्स शूट कर रहे थे. तो जब आप अपना शॉट दे रही थी उसी वक्त ये अलमारी खुली और बिंदिया की लाश बाहर गिर गई. जी हाँ. और ईशा जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप क्या कर रही थी? सर, मैं तो अपनी वैनिटी वैन में थी. इस सीन में मेरी जरूरत नहीं थी तो अगले सीन के डायलॉग से याद कर रही थी. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो आपको फिर से तकलीफ देंगे. तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप लोग तो सीआईडी वाले हैं, रियल लाइफ हीरोज. वी आर हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नेहा, तुम बिंदिया की असिस्टेंट हो, है ना? जी सर. और ये खून उसी आत्मा ने किया है जो इस हवेली में भटकती रहती है. देखो नेहा, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, सब झूठ ही है, समझी? नहीं सर, आप चाहे माने या ना माने, आत्मा है. तुमने देखा है आत्मा को? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है. मैं वो भयानक नजारा कभी नहीं भूल सकती. ओ गॉड, इतना सारा सामान, कहाँ ढूंढूं उस मूर्ति को मैं? मैंने बिंदिया मैम को बताया था, मगर उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया. उनको उस कमरे में जाने के बाद किसी ने देखा भी नहीं. निया, इस हवेली का मालिक कौन है? पता नहीं सर. तो फिर हवेली की देखभाल कौन करता है? सर रमेश है, जो यहाँ का केयरटेकर है. रमेश, इधर आओ. जी सर. नेहा, किस आत्मा के बारे में बात कर रही है, कुछ जानते हो? नहीं साहब, मैंने सिर्फ सुना ही है, आत्मा देखी नहीं है. पूर्वी, इस नेहा के साथ उस कमरे में जाओ जहां पर फिल्म शूटिंग की प्रॉपर्टी रखी जाती है. सर, क्या मेरा जाना जरूरी है? आइए मेरे साथ, घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा, चलिए. रमेश, बात बताओ, हवेली का मालिक कौन है? जी धर्मेश साहब, मगर साहब उनकी तो 2 साल पहले मौत हो गई. तो ये हवेली अब किसके नाम पे? जी उनकी वाइफ आरती के नाम. कहाँ रहते हैं आरती जी? जी जुहू में, मगर फिलहाल तो वो पुणे गई हैं, कल तक आएंगी. अच्छा रमेश, ये हवेली शूटिंग के लिए भाड़े पर कौन देता है? जी साहब, वो दलजीत. दलजीत? दलजीत को बुलाओ. इसकी आंखें देखी? हाँ सर, जिस तरह से आंखें लाल हुई है ऐसा लगता है कि इसकी मौत दम घुटने से हुई. हाँ, और सर इसके सिर के पिछले हिस्से पे भी चोट लगी, स्वेलिंग है. सर, उस कमरे से मुझे लोहे की रॉड मिली और इस पर कुछ बाल भी लगे. लगता है इसी रॉड से बिंदिया के सिर के पीछे वार किया गया है. निया, बात बताओ, क्या बिंदिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा था? नहीं सर, बिंदिया मैम तो बहुत अच्छी थी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. तो फिर किसी ने इनका खून क्यों किया? कोई तो वजह होगी ना? सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बिंदिया मैम का खून इसलिए हुआ है क्योंकि वो उस भूतिया कमरे में गई थी जहाँ वो क्या रट लगा रखी है, आत्मा आत्मा आत्मा, दूसरा कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास?
तो नेहा जी आप ये बताइए कि आत्मा ने बिंदिया की लाश को अलमारी में क्यों रखा? आत्मा को क्या जरूरत थी लाश को छुपाने की? वो क्या सर, मुझे तो लगता है किसी अंदर वाले का ही हाथ है इस खून में। इन सारे लोगों के सामने लाश को यहाँ अलमारी में ला के रख दिया, किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो, यानी तुमने सर सर ये दलजीत है यहाँ के मैनेजर। हेलो सर। तो आप है जो इस हवेली को शूटिंग के लिए देते हैं भाड़े पे? देता था सर, लेकिन इस बार नहीं देना चाहता था। लेकिन ये पर सर मैंने जिद की और तंग आकर इन्होंने ये हवेली दे ही दी। दलजीत जी ऐसी क्या वजह थी जो इस बार आप यह हवेली शूटिंग पर देने के लिए तैयार नहीं थे? वही आत्माओं की कहानियां सर, हर रोज ये शूटिंग वाले सुपर नेचुरल घटनाओं का जिक्र किया करते थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था सर। आपको लगता है कि ये कहानियां सब झूठी हैं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है। ठीक है सर, आज रात तुम लोग यहाँ पर ठहरो इसी हवेली में, देखते हैं ऐसी कौन सी आत्मा है जो यहाँ लुक्का छुपी खेल रही है। नहीं सर, आप यहाँ आज रात नहीं रुक सकते, मेरे कहने का मतलब है अगले 2 दिनों तक नहीं रुक सकते। क्यों नहीं सर? वो अमावस, सुना है अमावस की रात को आत्माओं की शक्तियां 100 गुना बढ़ जाती है। दलजीत जी आत्माओं की शक्ति की तुम फिक्र मत करना, वो तो दया हमारा निपट लेगा, पता चलेगा आपको किसकी शक्ति ज्यादा है। 15 साल तक सीआईडी में काम करते करते प्रद्युमन और दया भी आधे फॉरेंसिक डॉक्टर तो बनी गए। क्यों सांगे, तुम्हें कोई शक है? शक? अरे नहीं बॉस, पूरा यकीन है, इसलिए तो कह रहा हूँ। बहरहाल अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इसकी मौत कैसे हुई। दम घुटने से। और उस बाल का क्या हुआ जो हमें रॉड के ऊपर मिला? वो बाल भी इस बिंदिया के ही है। मगर आप हमें यहाँ कुछ नया बताने वाले थे। मैंने ऐसा कहा था? हाँ आइए मेरे साथ आइए। ये देखिए बॉस, सांग की ये मुझे कपड़े का फाइबर लगता है। बिल्कुल, और ऐसा ही फाइबर मुझे इसकी नाक के अंदर भी मिला है। तो टेस्ट किया? हाँ सर, मैंने टेस्ट किया। ऐसे फाइबर ज्यादातर पर्दे वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्दे से दम घोटने वाली आत्मा? आत्मा नहीं फ्रेडी, आत्मा ने खूनी, और ये खूनी जो भी है ना वो कौन है ये आज रात को पता चल जाएगा। सर सर प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए, इस हवेली में रात बिताना खतरे को दावत देना है सर। रमेश ठीक कह रहा है सर, हम लोग यहाँ दिन में नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं, जरा देखे तो यहाँ अमावस की रात को होता क्या है जो उस दलजीत के पसीने छूट रहे थे। सचिन वहां देखो, पूर्वी और शेडी तुम आपके साथ चलता हूं। नहीं तुम ऊपर जाओ। ऊपर चलो चलो चलो। मैंने सुना है आत्माएं इंसानों को खा जाती है। ऐसी बात मत करो सर, ऐसी बात मत करो। सर सुनी आपने आत्मा क्या हुआ? सुनी शायद वहां से आवाज आ रही है। अरे अरे ये क्यों रहा है? मुझे हार्ट अटैक आ जाता ना सर। वहां कोई है सर? वहां पे अब भी देखता हूं। कहां है? कुछ भी तो नहीं है। आगे देखते चलो। आप जाओ सर, मैं नहीं जाऊंगा। डरपोक कहीं का, नहीं देखता हूं।
क्या? सर आत्मा, आत्मा यहाँ खड़ी थी सर, यहाँ खड़ी थी, मैंने आईने में देखी है। फ्रेडी, मेरे सामने कभी आत्मा की बात मत करना, समझे? लगता है फ्रेडी, फ्रेडी ने यहाँ किसी लड़की को देखा इस आईने में। देखा सर, घर के अंदर भी अमावस्या। फ्रेडी चुप। रमेश, रमेश क्या हुआ? रमेश, लगता है किसी ने हमला किया सर इस पे। फ्रेडी पूर्वी, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। सचिन चलो ढूंढते उसे। जरूर यहीं पे कोई छेड़खानी की गई है बिजली काटने के लिए। ये देखिए सर, ये इलेक्ट्रिक की वायर काटी गई है। इलेक्ट्रिक का वायर काटा गया। सर किसी ने चाकू मार दिया इनको। चाकू मार दिया किसने? सर एक आदमी इस तरफ से दौड़ते हुए आया और मेरे दोस्त को चाकू मार दिया और बाइक लेके भाग गया। किस तरफ गया? सर इस तरफ। एक मिनट, कुछ नहीं होगा। पहले हवेली की बिजली काट दी, रमेश पे हमला, अब ये बच के जाएगा कहाँ? हेलो एम्बुलेंस, आप लोग अपनी आंखें खुली रखो, वो बाइक हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना? हाँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। हाँ, और जैसे ही कोई खबर मिले फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। ओके। बड़ा चालाक है ये खुनी दया, बड़ा चालाक है। जैसे उसे पता चल गया कि उसका भांडा फूटने वाला है, उसने हवेली की बिजली ही काट दी। हाँ सर, और फिर रमेश पे हमला कर दिया ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि वो हवेली हॉन्टेड है। हाँ, लेकिन उसका नाटक हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। उसके नाटक पर पर्दा गिराना ही पड़ेगा। मगर कैसे सर? बेटी, तुमने कभी नाटक देखा है? नाटक पर पर्दा गिराने का बटन स्टेज पर होता है मगर पीछे के तरफ, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मगर सर वो तो स्टेज है और ये हवेली। इस हवेली में भी कोई ऐसा बटन है, कोई ऐसा राज, खुफिया राज, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ सर, कोई तो खुफिया रास्ता है जहां से बिंदिया की लाश उस अलमारी में रखी गई, वरना खूनी का सबके सामने लाश लेके आना इम्पॉसिबल है। हाँ दया, वो अलमारी जहां से हमें बिंदिया की लाश मिली, उस हवेली में जाकर फिर से वो अलमारी चेक करनी पड़ेगी। कोई ना कोई खुफिया रास्ता तो जरूर है इस कमरे में, जिसके जरिए वो लाश यहां पे लाई गई और इस अलमारी में रखी गई। चेक करो। ये देखा तुम लोगों ने? सर ये तो रेगुलेटर है। हाँ, मगर जिस शादी में दूल्हा दुल्हन ना हो वहां बारातियों का क्या काम? मतलब सर? ऊपर देखो, ऊपर पंखा ही नहीं है और यहां रेगुलेटर। ठीक से चेक करो आसपास, कहीं कोई आवाज आ रही है, कोई रास्ता खुल रहा है कहीं पे, कोई दरवाजा, कुछ भी।
कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? तो ये है वो जादुई सुरंग जो अभी तक हमें चकमा दे रही थी। चलो अंदर देखते हैं और कौन कौन से जादू छुपे हैं अंदर। सर पानी के ये देखिए सर, वो सीडीज और ये सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर लगा के देखो क्या। तो ये है आत्मा की आवाज, इसी आवाज से लोगों को डरा रहा था वो। ओ, एक जैसी दो दो पेंटिंग, एक असली और एक नकली। नकली पेंटिंग बनाई जा रही है यहाँ पे। सर ये देखिए दो मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी। तो ये चल रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल मूर्तियों और पेंटिंग्स की नकल तैयार की जा रही है। सर सर ये देखिए, सर यहाँ जरूर किसी की हाथापाई हुई है। और ये कपड़ा शायद शायद इसी कपड़े से बिंदिया का दम घोटा गया था। माय गॉड, तो ये है वो लड़की जो आत्मा बन के लोगों को डरा रही थी। सर ये तो मर चुकी है। लेकिन सर इसका खून किसने किया होगा? सर कहीं सबके पीछे दलजीत का हाथ तो नहीं? दलजीत ही है, तभी तो अमावस का बहाना बना रहा था ताकि दो दिनों में ये सारा माल ठिकाने लगा सके। श्रेया बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजो। पता लगाओ उस दलजीत का, उसका मोबाइल ट्रैक करो, उसके कॉल्स की डिटेल्स निकालो, पता करो किन किन लोगों ने उसे फोन किया था और आखिरी बार उसने किससे बात की थी। चेक करो। हाँ सोलंकी क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार क्या चल रहा है, इतना मेकअप थोपा गया इसके चेहरे पर कि इसका मेकअप निकालते निकालते मेरे पसीने निकल गए। ये देखो ये लड़की जरूर किसी थिएटर ग्रुप या फिल्म यूनिट से जुड़ी होगी सर, इसलिए ऐसा मेकअप करके आत्मा का रोल कर रही थी लोगों को डराने के लिए। फ्रेडी एक काम करो, शहर में जितने भी फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स और कास्टिंग एजेंसीज हैं, वहां जाकर के इस लड़की का फोटो दिखाओ, शायद पता चल जाएगा ये है कौन। यस सर। हेलो कहां पे? न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है थैंक यू सर। हाँ दलजीत ने अपना फोन ऑफ करने से पहले आखिरी कॉल न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी को किया था। न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी, जरूर इस कंपनी से ट्रक या टेम्पो बुक किया होगा पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां ट्रांसपोर्ट करने के लिए। विनीत इस न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाकर पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं हमें। सीआईडी से? मैं तो बड़ा ही ईमानदार आदमी हूँ सर। तो ईमानदारी से ही जवाब देना, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। मिस्टर सूरज
ये बताइए, डीके मेंशन में आपने कोई ट्रक भेजा था? डीके मेंशन वो पीतल की फैक्ट्री के पास वाला? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, भेजा तो था, मगर बात क्या है? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये ट्रक किसने बुक किया था? सुंदर ने किया था। सुंदर या दलजीत? दलजीत, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। किस नंबर से फोन आया था? जी वो लैंडलाइन पे आया था, इसलिए नंबर तो मुझे मालूम नहीं है। कौन से ड्राइवर को भेजा था तुमने? विमल। ये विमल कहाँ है? ट्रक लेकर वापस आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वापस नहीं आया? विमल को फोन करके अभी पूछो कहाँ है वो, जल्दी। विमल फोन रखता ही नहीं है। उस ट्रक का नंबर बताओ हमें। ये PQR 4784Z। 4784Z। एक काम करो, जैसे ही वो ट्रक वापस आ जाए फौरन CID को इन्फॉर्म करना। ओके जी। ये केस तो उलझता जा रहा है, मुझे तो लगता है उस दलजीत ने ही सुंदर के नकली नाम से फोन किया होगा। PQR 4784Z। ये ट्रक तो यहीं पर है, फिर इस सूरज ने हमसे झूठ क्यों कहा कि विमल अब तक ट्रक लेकर वापस नहीं आया है? CID से झूठ बोल के तूने अच्छा नहीं किया। देखा, किससे बात कर रहा था? ओह, फोन उठा नहीं रहा। ये तो हम पता लगा ही लेंगे तू किससे बात कर रहा था। चल चल। आलोक साहब, क्या रमेश को होश आ गया? ठीक है, हम अभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। भूखा मर जाऊंगा साहब, मगर उस हवेली में कभी काम नहीं करूंगा। वो आत्मा तो मुझको मार ही डालती। देखो, ये आत्मा वात्मा सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम पे हमला किसी इंसान ने किया, किसी आत्मा ने नहीं। और हमें ये पता लगाना है कि वो इंसान कौन है। अच्छा एक बात बताओ, इस लड़की को पहचानते हो? नहीं साहब। अच्छा ये बताओ कि उन फिल्म वालों के सिवाय और कोई भी था जो वहां से आता जाता हो? हाँ साहब, एक आदमी आता था साहब, वो घर जमीन वगैरह बिकवाने के लिए एजेंट होते हैं ना। रियल एस्टेट एजेंट? हाँ वही। ये आदमी अकेला आता था या कोई और भी आता था इसके साथ? एक लड़की के साथ आता था साहब, अलग अलग पार्टियों को घर दिखाने के लिए। मुझे लगा हवेली बेचने की बात चल रही है शायद। नाम क्या था इस ब्रोकर का? जी जयेश। जयेश, इसका कोई नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? विनीत, उस न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने क्या बताया तुम्हें? कुछ नहीं बताया सर। कुछ नहीं? उसे सच्चाई का पता ही नहीं है। दलजीत ने किसी और नाम से ट्रक बुक किया था। कुछ और पता चला? नहीं सर, वो तो पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ ट्रक भी नहीं दिखाई दिया। उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके ट्रक में क्या सामान ले जाया गया था। उस ट्रक वाले से पता नहीं चला तो क्या हुआ, हवेली वाले से तो पता चलेगा, उस स्टेट एजेंट जयेश से। सर, उस आत्मा वाली लड़की का पता चल गया सर। इतनी जल्दी पता चल गया? अरे वाह, वेरी गुड फ्रेडी। बताओ क्या पता चला? सर, एक एक कास्टिंग एजेंसी में जाके उसकी फोटो दिखाई। कुछ लोगों ने तो मुझे रोल भी ऑफर कर दिया। मर गए। अच्छा वो रोल के बारे में बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ उस लड़की के बारे में क्या पता चला? सर, स्वीटी नाम की एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, एक दो सीन वाले रोल में काम करती थी। इससे पहले वो जूनियर आर्टिस्ट थी सर। स्वीटी, स्वीटी, पता लगाना पड़ेगा इस स्वीटी को किसने कहा था आत्मा का रोल करने के लिए। सर, सही है जयेश, वही ब्रोकर जो हवेली बिकवाने के लिए ग्राहक लेकर आ रहा था। जयेश, तो बताओ जयेश। क्या बताऊं साहब, मैं तो परेशान हो गया हूँ उस हवेली से। कस्टमर लाला के थक गया हूँ, पर हवेली बिकी ही नहीं रही। जयेश, तुम्हारे साथ एक लड़की भी आती थी ना हवेली दिखाने के लिए? कहीं आप मिताली की बात तो नहीं कर रहे साहब? हाँ शायद वही होगी। कौन है ये मिताली? हवेली के मालिक थे धर्मेश जी, 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। मिताली उन्हीं की बेटी है। ये हवेली बिक क्यों नहीं रही है? उन अफवाहों की वजह से कि हवेली में आत्माओं का डेरा है। कौन फैला रहा है ये अफवाह? पता नहीं साहब, एक बार तो डील पक्की हो चुकी थी, एडवांस भी मिल गया था, मगर क्या, मगर वो दलजीत है ना, उसने बेवकूफी कर दी।
पार्टी से जाकर कह दिया कि हवेली में वास्तु दोष है। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मन किया कि उसकी गर्दन मरोड़ के रख दूं। दलजीत, जैसे मिताली कहां मिल सकती है? मैं अपने घर में साहब, अपनी माँ आरती के साथ। हेलो, हाँ ग्रेट, थैंक यू सर। मोबाइल कंपनी वालों का फोन था, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने जब दलजीत को फोन किया तब वो एलएम जंक्शन के एरिया पे था। तब दलजीत एलएम जंक्शन पे था? एलएम जंक्शन? जी, हम एलएम जंक्शन से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर। क्या? ओके थैंक यू सर। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने दलजीत को इसी एरिया में फोन किया था। इस एरिया में तो आगे सिर्फ एक ही घर है, बाकी सब तो सुनसान है। ये रहा घर, हो सकता है दलजीत यहीं पे छुप के बैठा हो। चलो देखते हैं। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है ऑफिसर, मिताली हवेली जा ही नहीं सकती, वो तो सिंगापुर में है, एमबीए की पढ़ाई कर रही है। अगर मिताली सिंगापुर में है तो 3 दिन पहले वो डीके मेंशन में क्या कर रही थी? आपको किसने कहा कि वो 3 दिन पहले मेंशन में थी? जयेश ने, वही ब्रोकर जो मिताली के साथ मिलकर उन लोगों को वो हवेली दिखाता है जो उसे खरीदना चाहते हैं। देखिए, मुझे जयेश बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है, ये किसी और लड़की को मिताली बना के ये सब कर रहा है। जयेश झूठ क्यों बोलेगा? तो क्या मिताली झूठ बोलेगी? अगर वो इंडिया में होती तो क्या मुझे फोन नहीं करती? वो घर नहीं आती क्या? शायद मिताली वो हवेली आपकी मर्जी के बिना बेचना चाहती हो। जी नहीं, मिताली ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो जानती है कि मुझे हवेली से कितना लगाव है, मेरे बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं उस हवेली के साथ। अच्छा, ये हवेली किसके नाम पर है, आपके या मिताली के? मिताली के नाम पे, लेकिन अगर मिताली यहाँ इंडिया में है तो वो घर क्यों नहीं आई अभी तक? क्योंकि शायद इस जुर्म में मिताली का भी हाथ है। जुर्म? कैसा जुर्म? कैसा जुर्म? आपकी हवेली में दो दो खून हो गए, आपके केयरटेकर रमेश पर जानलेवा हमला हुआ, और आप पूछ रही है कैसा जुर्म? व्हाट? आप लोग क्या कह रहे हैं? कब हुआ ये सब? अच्छा, कमाल है, दलजीत ने आपको कुछ बताया नहीं? हाँ, मैं पूना गई हुई थी, आज ही सुबह आई हूँ। इसे पहचानती हैं आप? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की आत्मा बनकर आपकी हवेली में लोगों को डराती थी। हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऑफिसर प्लीज जल्दी से मिताली को ढूंढिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, प्लीज। बच्चे ये बताइए, मिताली का कोई फोटो है आपके पास? लगता है दलजीत 9-11 हो गया, कर चेक करो। सर। ये बॉक्सेस? सर, ये बॉक्सेस तो बिल्कुल वैसे ही बॉक्सेस हैं जो हमें सवेली के खुफिया कमरे में मिले थे। इसका मतलब वहां से नकली पेंटिंग और नकली मूर्तियां यहाँ लाई जाती हैं। पहले असली चीजें चुरा के हवेली के उस खुफिया कमरे में लाई जाती है, वहां उनकी नकल तैयार की जाती है, और नकल तैयार होने के बाद यहाँ पे, यहाँ से खरीदारों के पास। सर, अगर दलजीत ने सारी चीजें यहाँ पे छुपाई हैं तब तो यहाँ पे जरूर आएगा। अश्रेया, क्या हुआ? सर मिताली, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मिताली, मिताली आंखें खोलो, मिताली, 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 मिताली आंखें खोलो, मिताली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा मिताली, हम लोग आ गए हैं। वो मुझे मार देगा। कौन 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 मार देगा? क्या नाम है उसका? दलजीत।
दलजीत? कहाँ है दलजीत? वो आने वाला है। आने वाला है? आने दो इस दलजीत के बच्चे को। ऐसी तीखी मिर्ची खिलाएंगे कि तोते की तरह अपने सारे जुर्म कबूल कर लेगा। नहीं निखिल, सिर्फ तोते को ही नहीं, तोते के मालिक को भी पिंजरे में बंद करना है। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे साथ। हेलो, ये सारे के सारे बॉक्सेस टेम्पो में अभी के अभी लोड करो, समझे? चलो जल्दी जल्दी, देर नहीं। तुझे बाहर खुली हवा की सैर कराता हूं। चल 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 चल, आ जा। चल चल, आ जा, सीधे तरीके से खड़ी हो जा, समझे? क्या है बे, खड़े खड़े घूर क्या रहा है? आंखें नीची कर, कर आंखें नीची, चल जा काम कर जाकर। कहाँ चली गई? अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। चल नाटक कम कर, चल। मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूंगा तुझे, चल ना। मुझे जाने दो। चल दे, चल। इतनी मुश्किल से पकड़ में आई है, तुझे छोड़ दूं? चल गाड़ी चला, चलो। श्रेय, वो बक ठीक से लगाया था ना? हाँ सर। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं उसको बक के बारे में पता तो नहीं चल गया? एक बार ये फ्रीक्वेंसी फिर से चेक कर लो। ओए तेज चला। एक बार ये मेरे रास्ते से हट जाए तो वो हवेली भी नहीं बिकेगी और मेरा गैर कानूनी काम भी नहीं बंद होगा। हेलो। हाँ जी, मैं मिताली को लेकर धर्मकांटा वाली पुरानी फैक्ट्री में पहुंच रहा हूँ। जी वहीं मिलते हैं। पुरानी धर्मकांटा वाली फैक्ट्री, तो वहां जा रहा है ये। मजा आ रहा है खुली हवा में सैर करने में? हाँ। चल, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? चला जा चुपचाप। आप यहाँ? बहुत खुश हुई ना तुम इन्हें यहाँ देखकर? मैं चाहता हूँ ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से करें और अपनी लाडली बेटी को गोली मारें। आप एक माँ हो के मुझे मारना चाहती हैं? अब क्या करें, कलयुग की सौतेली माए ना कुछ ऐसी ही होती हैं। मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए प्लीज माँ।
पागल औरत, तूने मुझे क्यों गोली मारी? दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी फुदकने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। आज मिताली को मार कर कल मुझे भी रास्ते से हटा देता और जायदाद का मालिक बन जाता। ऐसा मैं होने नहीं देती, इसलिए टाटा। अब मरने की तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पैसे के लालच से मुझे मुझे अंधा कर दिया था। ऐसा भी क्या लालच जिसने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि माँ बेटी के रिश्ते की मर्यादा ही भूल गई? मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ही अफवाह फैलाई थी कि उस हवेली में आत्मा है, ताकि कोई भी उस हवेली के आसपास ना भटके और हम मूर्तियों का गैर कानूनी काम बिना किसी अर्चन के कर पाए। और जब मिताली ने हवेली बेचने की ठान ली तो तुमने दलजीत से कहकर उसे किडनैप करवा लिया ताकि उसे भी रास्ते से हटा सको। मैं हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहती थी जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनता। वो बिंदिया, बिंदिया ने वो खुफिया रूम देख लिया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और वो जूनियर आर्टिस्ट जो आत्मा बनके लोगों को डराती थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया। सर, ये तो अपने गुनाहों की दास्तान ऐसे बता रही है जैसे इसे कोई बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला। मेडल तो इसे मिलेगा ही, लेकिन वो सोने चांदी का लॉकेट नहीं होगा, फांसी का फंदा होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।